now preparing in advance is another important situation when behavioral emergencies and crisis can come in although behavioral and crisis management techniques are well beyond the scope of this course we understand but few suggestions to prepare for making difficult decision making under uh, right time consideration can be discussed here number one to know the emergency resources which are available in your community बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी कम्यूनिटी में अवेलेबल होती हैं एज अ थेरेपिस्ट वी हैव टू हैव द ग्रिप ऑन दैम कीप नेम्स नंबर्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्यूनिटी सर्विसज इन एन ईजी टू एक्सेस लोकेशन जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेस के ऊपर इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हैं वो टैग हुए होते हैं डबल वन थ्री फाइव है डबल वन डबल नाइन है या और इस तरह के डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो एक खातून जो है अगर वुमेन क्राइसिस सिचुएशन है उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक नंबर है या अगर कोई टेरिस सिचुएशन है उसमें एक नंबर है तो ये रिसोर्स जो हैं ये बहुत अच्छे तरीके से एक थेरेपिस्ट को पता होने चाहिए फ्राम जॉइन एन अलाइंस ऑफ कॉलिग्स इन योर कम्यूनिटी विद ईच पीपल एग्रींग टू बी अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन वैन एमरजेंसी एराइजेज आपके पास एक पूल होना चाहिए जिसमें मुख्तलि लोग आपके साथ ऑन बोर्ड हों कि अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी तो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें आप हेल्प के लिए कंसल्ट कर सकते हैं उसके अंदर कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो सकता है उसके अंदर कोई मेडिकल डॉक्टर हो सकता है उसके अंदर कोई सोशल वर्कर हो सकता है कोई मेडिकल डॉक्टर हो सकता है सैकैटलिक हो सकता है यानी सिचुएशन की एमरजेंसी से रिलेटेड कोई भी इंडिविजुअल जो उसका हिस्सा बन सकता है वो आपके पास ऑन बोर्ड ऑन पूल होना चाहिए देन नो द लॉज एंड पॉलिसीज इन योर स्टेट एंड लोकेल रिलेटिंग टू द मैटर्स दैट आर लाइकली टू कंपनी क्राइसिस इवेंट्स जिस भी जगह पर एक थेरेपिस्ट प्रैक्टिस कर रहा है वो कोई भी कम्यूनिटी है कोई खत्ता है कोई दुनिया का हिस्सा है वहाँ पर जो लॉज़ प्रैक्टिस हो रहे हैं वहाँ पर जो चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं उनके बारे में कम्प्लीट नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है दीज इंक्लूड्स मैंडेटेड रिपोर्टिंग स्टेटस स्पेसिफाइंग द कंडीशन अंडर विच इंफॉर्मेशन अपटेन्ड इन कॉन्फिडेंस मस्ट बी रिपोर्टेड टू अथॉरिटीज एंड कमिटमेंट प्रोसीजर्स हर स्टेट के हर जगह के अपने लॉज होते हैं और वो आपको कहते हैं कि आपने हमें कोई भी केस अगर रिपोर्ट करना है तो वो किस फॉर्मेट में करना है किस तरीके से करना है उसके क्या प्रोसीजर्स हैं उसके क्या डॉक्यूमेंटेशन हैं वो प्रॉपर तरीके से पता होना बहुत ज़रूरी है दैन लोकेट एन अटोर्नी इन योर कम्यूनिटी हु इज़ नॉलेजबल अबाउट मैटर्स डेट है प्रैक्टिस एक जो है वो लॉयर भी आपका ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके साथ आपको डील करते वक्त ऐसी सिचुएशन पेश आ सकती है कि कोई uh, जो है वो लॉ uh, का मैटर जो है वो आरइज हो जाए तो वह वर दफ़ा आप एक नए इंडिविजल को ट्राए नहीं देंगे बल्कि आपके साथ एक ऑन बोर्ड एक लीगल अटोर्नी हमेशा मौजूद होना चाहिए देन एक्टिवली सी लर्निंग पॉइंट्स टू शार्पन योर नॉलेज अबाउट द काइंड ऑफ क्राइसिस दैट मे इन योर प्रैक्टिस इसके अलावा बहुत सारे ऐसी सिचुएशन चैलेंजिंग हो सकती है जो अकर कर सकती है फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन इन क्राइसिस काउंसलिंग या कोर्सेज इन फर्स्ट एड एट्सट्रा यानी अगर आपकी किसी चीज़ से डायरेक्ट लिंक नहीं भी है लेकिन फ़र्स्ट uh, एड जो है वो भी उसके बारे में बेसिक चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी हैं uh, इसी तरीके से जो क्राइसिस काउंसलिंग है उसके बारे में भी एजुकेट होना और थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना या अगर कोई डिप्लोमा किया जा सकता हो कोई सर्टिफिकेशन ली जा सकती हो तो वो भी लेना जैसे जो बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं उनको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है साइको अप्रोच की और ट्रेनिंग की ज़रूर होनी चाहिए हिपनोसिस की या एन की क्योंकि आप बिल्कुल डिस्टिंगटिवली काम कर रहे होते हैं और एक फील्ड के लोगों को दूसरे फील्ड के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता तो उससे भी समटाइम्स जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं दैन डिफाइन योर ओन एरियाज ऑफ कॉम्फिडेंस देन प्रैक्टिस ओनली विद इन दोज कन्फाइन्स जो भी आपका प्रैक्टिस का एरिया है आप उसी को ही फुली प्रैक्टिस करें बाकी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना जरूर इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये नहीं कि आप वो कहते ना कि हर चीज़ को करने की कोशिश में आप कुछ भी अच्छा ना कर सकें सो बेहतर यह है कि अपने एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज डिवेलप करें अगर आप अडोलिसंस की काउंसलिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं तो आपको वही फोकस करना चाहिए जो ड्रग एडिक्ट के साम कर, का साथ काम कर रहे होते हैं उन्हें वुमेन क्राइसिस इंटरवेंशन में घुसने की कोई जरूरत नहीं है वो अपना वही एरिया डेवलप करें और उसी के अंदर अपनी एक्सपर्टीज जो हैं उनको शार्पन करें इसी तरह जो आर्टिस्टिक बच्चों के साथ काम करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो ओल्ड एज लोगों के साथ भी काम करने में एक्सपर्ट हों तो ये एरियाज जो हैं वो डिफाइंड हैं और इनकी डोमेन्स के अंदर ही विद इन अपनी स्किल्स को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है देन केयरफुली मॉनिटर रिलेशनशिप बिटवीन योर सेल्फ एंड दोस्त होम अ क्लोज एंड ट्रस्टेड अलाइंस हैज बिन बिल्ड अपनी कम्यूनिटी में अपने साथ ऐसे लोग होने चाहिए जिनके साथ आपका एक वर्किंग प्रोफेशनल और एक वर्किंग जो है वो ट्रस्टेड रिलेशनशिप होना चाहिए थेराप्यूटिक मिस कैन रिजल्ट इन इंटेंस क्लाइंट थेरापिज डायनामिक्स दैट लीड टू अनिपेटेड आउटकम्स बात थेरेपी के दौरान आप इस तरह की मिस कैलकुलेशन कर सकते हैं जो थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस और हॉरीफाइंग बना सकती हैं तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी वेल well प्रिपेयर रहना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, ये चीज़ें हमें एडवांस में पता होना इसलिए ज़रूरी है कि हम क्राइसिस सिचुएशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो अप्रोप्रिएट हो सके दैन नेवर रियली सोली बिलीव ऑन योर मेमोरी डॉक्यूमेंट एनी एमरजेंसी एनी क्राइसिस सिचुएशन इंक्लूडिंग द डिसीजन यू मेड एंड योर रैशनल फॉर मेकिंग दैम दिस इज़ द ओनली वे टू सेव कार्ड जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है उसके अंदर आपने कोई डिसीजन क्यों लिया उसके पीछे क्या लॉजिक थी और वो डिसीजन जो है वो आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे इस सारे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कभी भी बाद में मटेरियल जब रिट्रीव करना हो तो आपके पास उसकी लॉजिक मौजूद होती है और वो लीगली भी आपको सेव करती है सो दिस इज़ द वे वी प्रिपेयर आवर सेल्फ इन एडवांस एंड दिस इज़ द वे वी बिहेव इन एमरजेंसी सिचुएशन वाय डूइंग डिसीजन मेकिंग